30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में करीम टुंडाबरी, मुंबई सूरत समेत 5 शहरों में ट्रेन में हुए थे धमाके। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरुवार को अजमेर की टाड़ा कोर्ट ने बरी कर दिया। दो आतंकवादियों इरफान व हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। टुंडा इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा में टाड़ा कोर्ट पहुंची। तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाड़ा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी थी, जो अभी जेल में बंद है। मिस्टर बॉम के नाम से मशहूर है टुंडा। भारत नेपाल बॉर्डर के करीब उत्तराखंड के बनवास में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बता दें, मिस्टर बॉम के नाम से मशहूर है टुंडा। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। माननीय न्यायालय के ने आज यह फैसला दिया है, अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया। कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। हमारा ये कहना था, मेरे वकील का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हो गई है। कोई